नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ, दुबई शारजा रसल खेमा। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, फ्लाइट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, यात्रा के जो नियम है फ्लाइट उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे डिटेल से। तो वीडियो भाई पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रख सकते हैं ताकि हर रोज़ आपको वीज़ा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं भाई, दुबई ने हालांकि फ़्लाइटें सबके लिए ओपन कर दी हैं, लेकिन 5 देशों के लिए अभी भी फ़्लाइटें बंद हैं। बंद का मतलब नहीं है, स्टार्ट हैं, लेकिन इन देशों के एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट की व्यवस्था नहीं। आपने पता होगा भाई, जब इंडिया के साथ में फ़्लाइटें स्टार्ट की थी 3 अगस्त से, तब पाकिस्तान एयरपोर्ट पर भी रैपिड की व्यवस्था नहीं थी। रैपिड जो टेस्ट होता है 6 घंटे वाला, उस पर उनकी पे पास भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो कर ली। जी हाँ, अभी हम बात करें तो नाइजीरिया, वियतनाम, जाम्बिया, इंडोनेशिया, ये जो देश है ना, इनके यात्रा मैंने फ़्लाइटें स्टार्ट हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये लोग दुबई के लिए यात्रा नहीं कर सकते। जी हाँ, इनके लिए प्रॉब्लम है। आगे अगर बात करें तो हम दुबई का शारजा और रसल अल खेमा का जो यात्रा अपडेट है उससे रिलेटेड बात करेंगे कि भाई किस तरह से, कौन से पे क्या नियम है। आपको पता है साथियों, 30 अगस्त को वीज़ा स्टार्ट दुबई सरकार ने कर दी। वी की तो नहीं बात करते, दुबई सरकार ने 30 अगस्त से विजिट वीज़ा स्टार्ट कर दिया, लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि फ़्लाइटों का क्या होगा। जी हाँ, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। जी हाँ, फ़्लाइटों की अगर बात करें साथियों, तो वैसे सरकार की तरफ से कोई घोषणा अभी तक फ़्लाइटों की हुई नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने कुछ देखा है और सर्च किया, फ़्लाइटें जा रही हैं दुबई के लिए। आप अगर ट्विटर पे जाओगे तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी कि भाई इंदौर से भी एक फ़्लाइट दुबई के लिए गई है, इंदौर से, और दिल्ली से भी फ़्लाइटें जा रही हैं। लेकिन अगर देखे जाए तो अथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, अंदर की रिपोर्टें कि भाई धड़ल्ले से आप टिकट बुक करवा रहे हो और जा रहे हो, ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक आई नहीं है। बड़ी जो न्यूज़ है, जो ट्रेवल एजेंसियाँ, वो भी अभी तक वेट कर रही हैं उनका कि क्या अपडेट आएगा दुबई सरकार की तरफ से। तो अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन आप अगर सर्च करोगे तो लोग दुबई की इंदौर से फ़्लाइट गई है, एमपी अगर इंडिया की बात करें, और दिल्ली से भी फ़्लाइट गई है, आप चेक कर लेना, 1 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आगे अगर बात करें तो दुबई, जी हाँ, अगर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिणी अफ्रीका, युगांडा, ये लोग अगर दुबई जाते हैं तो इनके पास ICAR GDRFA की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, विजिट वीज़ा वालों की अगर बात करें तो भाई ICAR GDRFA अप्रूवल की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। वीज़ा आपको सरकार दे रही है, टिकट अभी आप लेके जा सकते हैं। साथ में सिर्फ आपके पास PCR रिपोर्ट होनी चाहिए जो 48 आवर्स की वैलिड होनी चाहिए, QR रिपोर्ट होनी चाहिए जिनको स्कैनिंग करने वाला ऑप्शन होना चाहिए। जी हाँ, एयरपोर्ट पे आप जाओगे, रैपिड टेस्ट आपको करवाना होगा 6 आवर्स वाला, जिसकी लगभग 3000 के करीब शायद फीस लगती है, बाकी आप पता लगा सकते हैं। बस और कुछ नहीं चाहिए भाई, दुबई का सबसे इजी है जाना, PCR रिपोर्ट आपके पास, QR रैपिड टेस्ट एयरपोर्ट पे, सीधा दुबई, कोई आपका दुबई एयरपोर्ट पे कुछ नहीं होने वाला, डायरेक्ट आप जा सकते हैं। जी हाँ, अब बात कर लें भाई शारजा और रसल अल खेमा की क्या स्थिति है। एयर इंडिया बता दूं, एक्सप्रेस और जो एयर अरेबिया हैं, दोनों ने अपने फ्लाइट में निर्देश दिए हैं, अपडेट दिए हैं कि भाई विजिट वीज़ा वाले भी जा सकते हैं शारजा रसल अल खेमा। जी हाँ जी, किसी भी देश के लोग दुबई शारजा रसल खेमा जा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाना चाहें तो, क्योंकि इतने दिन तक बंद था लेकिन अभी ये स्टार्ट कर दिया गया, अच्छी बात है ये। जी हाँ, विजिट वीज़ा लेके जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। दोनों डोज आपके पास होनी चाहिए, WHO द्वारा जो मान्यता प्राप्त WHO से हैं वैक्सीन, वो होनी चाहिए। जैसे इंडिया में बात करें तो भाई कोविशील्ड है तो आप वो लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग देशों में वो हैं, WHO से मान्यता प्राप्त हैं, वो आप लेके जा सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इसके लिए, अगर आप शारजा जा रहे हैं, रसल अल खेमा जा रहे हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा स्मार्ट सर्विस, जी हाँ, .ICA.gov.ae। जी हाँ, ये जो उनकी वेबसाइट है उस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। WHO के दोनों मान्यता प्राप्त टीके का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 48 आवर्स वाली आपके पास PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, रैपिड टेस्ट वाला होना चाहिए। जी हाँ, इस पे जाके आप इसमें रजिस्टर्ड आपको करवाना होगा, चाहे आप एयरपोर्ट पे करवा सकते हैं या पहले करवा सकते हैं। एयरपोर्ट पे होगा, अच्छी बात तो ये कि एयरपोर्ट पे इतना टाइम मिल जाता है कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, बाकी ये नहीं कि आपको अप्रूवल मिलेगा तब जाओगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
तो ये अच्छी बात है। जी हाँ, शारजा अगर जाते हो तो भाई शारजा पे एक टेस्ट आपका होगा, एयरपोर्ट पे टेस्ट आपका होगा, नो डाउट, ये आपको करवाना पड़ेगा। बाकी सबसे बड़ी बात ये अपडेट लाएगी भाई, नए जो वीजा निकलेंगे, चाहे वो वर्क परमिट वीजा है, चाहे वो कोई भी वीजा है, उसमें GDRF या ICA की अप्रूवल आपको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दुबई सरकार अभी वर्क परमिट वीजा स्टार्ट कर देती है, विजिट वीजा तो स्टार्ट है सबको पता है, विजिट वीजा वर्क परमिट भी स्टार्ट कर देती है तो कोई अप्रूवल नहीं है, डायरेक्ट वीजा लो और आप अपनी फ्लाइट कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ होने वाली है। जी हाँ, तो भाई देखिए आने वाले टाइम पे एक्सपो 2020 अगले महीने में, नेक्स्ट महीने में आ रहा है नो डाउट, तो सरकार को नियम और भी लूज करने हैं। बाकी इससे लूज भाई दुबई तो क्या करेगी, 48 आवर्स वाला टेक वो रिपोर्ट, वो तो मुझे नहीं लगता कि इसको 96 आवर्स कर देगी, ये तो 48 वाला ही रहने वाला है जहाँ तक लगता है। रैपिड टेस्ट है तो इसको भी नहीं हटाएगी, क्योंकि कोवैक्सीन सर्टिफिकेट वाला सिस्टम उन्होंने बंद कर दिया, समझ गए बात को, क्योंकि अगर आप दुबई जाते हैं तो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी है, नहीं भी लगवाया तो भी कोई चक्कर नहीं है, आप जा सकते हैं, आपके पास ये रिपोर्ट आपके पास दोनों होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से दुबई जाना इजी है और स्टेटों में जाने की बजाय। बाकी भाई देखिए, जिनको शारजा जाना है तो वो दुबई से उनका कोई लिंक नहीं है अभी, तो अच्छी बात यह है कि आप अगर दुबई से भी शारजा या अलग अलग स्टेटों में जा सकते हैं, इतने दिन तक बैन था आप नहीं जा सकते थे, लेकिन अभी जैसे शारजा जाना है, रासलाल खेमा जाना है या फिर आपको अबू धाबी जाना है तो आप दुबई से होके भी उधर से जा सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनके थोड़ा सा आपको जैसे उनकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। बस ये अपडेट आपको देनी थी साथियों कि फ्लाइटों की मेन भैया फ्लाइटों का चक्कर आ रहा है, क्योंकि फ्लाइटों का अभी गवर्नमेंट की तरफ से देखिए ऑफिशियली न्यूज़ तो है नहीं, बाकी आप देख सकते हैं कि मैंने बताया MP इंदौर से फ्लाइट गई है, बाकायदा एयर इंडिया का ट्वीट है भाई, आप देख लेना अपने स्तर पे जाके, दिल्ली से भी फ्लाइट गई है आप देख लेना, इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट किया है, समझ गए बात को। तो ये स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता। तो आप अपने स्तर पे दुबई की फ्लाइटों वाले जो जाने वाले हैं आप ट्राई करें और जा सकते हैं। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।